शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां पहला अध्याय 31वीं कहानी खिलाफे राय सुल्तान राय जुस्तन बखूने खैश वाशद दस्त सुस्तन, अर्थात राजा की सम्मति के प्रतिकूल अपनी सम्मति प्रकट करना, अपने ही खून से अपने हाथ धोने की चेष्टा करना है। नौशेरा के मंत्री जरूरी जरूरी राजकीय विषयों पर सलाह कर रहे थे। प्रत्येक मनुष्य ने अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्तम सलाह दी। इसी भांति बादशाह ने भी अपनी राय दी। वुजर चमहर ने बादशाह की राय पसंद की। दूसरे मंत्रियों ने वुजर चमहर से एकांत में पूछा कि आपने इतने बुद्धिमानों के मुकाबले में बादशाह की राय ही क्यों पसंद की। उसने उत्तर दिया, कोई नहीं जानता कि क्या होगा। प्रत्येक मनुष्य की राय ईश्वर पर निर्भर है। कौन जानता है कि मेरी राय का फल अच्छा होगा अथवा बुरा। इसलिए बादशाह की राय का ही समर्थन करना अच्छा है। अगर बुरी घटना घटेगी तो मैं आज्ञा पालन का आश्रय लेकर अपने तय झिड़कियों से बचा सकूंगा। जो लोग बादशाह के विचार से अपना विचार भिन्न रखने की चेष्टा करते हैं वे अपने ही खून में हाथ धोते हैं। अगर बादशाह दिन को रात कहे तो बुद्धिमान को चाहिए वो यह कहे, देखिए वो चांद और सप्तऋषि मंडल है। कहने से शिक्षा, यह कहानी हमें परले सिरे का आज्ञा पालन करना सिखाती है। कुछ राजा बादशाहों पर ही मुनहसिर नहीं है। हम लोग जिसकी अधीनता मातहती में हों, हमें अपने अफसर या मालिक की हाँ में हाँ मिलानी उचित है। मालिक या अफसर के विरुद्ध बात कहने से शिव हानि के लाभ किसी हालत में भी नहीं हो सकता। जो अपने अफसर या स्वामी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन्हीं की राय का समर्थन करते हैं, वे सदा सर्वदा आनंद करते हैं और उन्हें कभी शोक संतप्त होना नहीं पड़ता। कहानी समाप्त।